थोड़ा जूम करिए, जैसे अभी इनायत सर ने किया एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास में। सर करिए और थोड़ा, और नहीं आ रहा है, तभी आता ही नहीं है। सर हमें, मुझे तो आ रहा है, मुझे आ रहा है, मगर नहीं आ रहा है, आ रहा है लेकिन फिर भी आता है, पता नहीं क्या होता। जरा माइक, सब अपने माइक बंद रखो। ऑलरेडी माइक सबों की, लेकिन वीडियो बीच बीच में आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छे से आ रहा है। अच्छा बहुत सुनो, ठीक है, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट ए पेशेंट एंड हिज मैनेजमेंट विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। दैट मींस ए पेशेंट हु हैड फ्लूइड इंबैलेंस, वेदर ही हैड हाइपोवोल्यूमिया, वेदर ही हैड हाइपरवोल्यूमिया, सो वी डिस्कस्ड हिज और हर मैनेजमेंट, दैट हम उस पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, हम उसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन सी मैनेजमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ टुडेज टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। Now, before going to management topic, that what would be our management options, कि हमारे पास कौन कौन से management options होंगे अगर हम एक patient की बात करें जिसमें electrolyte imbalance हुआ है। अगर electrolyte imbalance की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे types of electrolyte imbalances हैं, not only particularly one, हमारे पास बहुत सारे क्या कहते हैं ये electrolyte imbalances हमारे पास available हैं। जैसे कि अगर हम sodium की बात ले लें, sodium हमारी body में एक electrolyte है, ठीक है, तो अगर हम उसकी imbalance की बात ले लें, हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया है, मीन जब सोडियम की लेवल जो है हमारी बॉडी में कम हो जाती है, वी हैव हाइपरनेट्रीमिया, दैट मीन जब सोडियम की लेवल जो हमारी बॉडी में है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू दैट टॉपिक, दैट कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, कैल्शियम के रिलेटेड हाइपरकैलीमिया क्या होता है, हाइपोकैलीमिया क्या होता है, पहले हम देखते हैं, हमने इससे पहले लास्ट वाले यूनिट में वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। ठीक है, तो वो मैंने आपको लास्ट यूनिट में बता दिया है। ठीक है, अभी के लिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स टॉपिक को देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी एस्पेक्ट में। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम देखें, ये हमारी बॉडी में बोथ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में ये पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है। अगर आप देखोगे नर्व इंपल्स के लिए, नर्व इंपल्स में अगर हम देखें तो नर्व इंपल्स में हमारे पास सोडियम जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी में। दैट मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व इंपल्स जनरेट करने में सोडियम जो एक इलेक्ट्रोलाइट है उसका बहुत ही ज्यादा रोल रहता है हमारी बॉडी में। तो दैट मीन्स नर्वस सिस्टम इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वट इलेक्ट्रोलाइट जनरेशन या इलेक्ट्रोलाइट फंक्शनिंग, और उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट फंक्शनिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर देखें नर्व इंपल्स के लिए कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वी हैव सोडियम फॉर नर्व इंपल्स, एन ए पॉजिटिव। ठीक है, तो दैट मीन्स जब भी कहीं पे नर्व इंपल्स होती है, एक तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर आप देखो जब हम देखते हैं कि एक नर्व जो है जब उसमें स्टिमुलस कोई जनरेट नहीं हुआ होता है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसका होता है, दैट इज -70 उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। उसके बाद जब स्टिमुलस आ जाता है, हम किसी चीज को टच करते हैं, तो वहां पे जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो किन की वजह से हो जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका चार्ज डिफरेंट होता है कंपेरेबल टू इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। तो क्या सन वहां पे होता क्या है कि वहां पे मेम्ब्रेन जनरेट होते हैं, एंड फ्रॉम -70 जो नर्व एक है वो कहां चली जाती है, वो +30 में चली जाती है। वो तो अभी हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इट इज अ टॉपिक फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारा मेन टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और उस पेशेंट की मैनेजमेंट। अगर उसके बाद हम देखें मसल फंक्शनिंग के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कैल्शियम और मैग्नीशियम।
मसल फंक्शनिंग के लिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स देखें कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग जो है मसल की वो हो जाए, तो कंट्रैक्शन के लिए, क्योंकि मसल का काम क्या होता है, मसल का काम होता है कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, तो उसके लिए वी हैव टू इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज कैल्शियम, कैल्शियम इज फॉर कंट्रैक्शन एंड वी हैव मैग्नीशियम दैट इज फॉर रिलैक्सेशन. So, हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. जब हमारी बॉडीज में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है उस पेशेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, दिस इज आवर मेन टॉपिक. बट बिफोर गोइंग इनटू आवर मेन टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट व्हाई आर इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी और इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारी बॉडी में क्या काम रहता है मोस्टली. तो इलेक्ट्रोलाइट्स को जैसे कि लेट अस रिकैप्चुलेट इट फर्स्ट. तो अगर देखें नर्व इम्पल्स का, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है या जो नर्व इम्पल्स जब जनरेट होती है वो कैसे जनरेट होती है, उसमें सोडियम जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. उसके बाद अगर देखें मसल फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर कैल्शियम देखें तो कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, या कंट्रैक्शन जब होती है एक मसल की उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसका. और उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो जब एक मसल की रिलैक्सेशन होती है तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है. उसके बाद कमिंग टू अनदर फंक्शन दैट इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. अगर हम देखें कि एक रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कैसे होती है तो उसमें किसका रोल रहता है, उसमें पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल रहता है. रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट तो उसमें किसका रोल रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज पोटेशियम. इट इज एक्चुअली अ टॉपिक फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की कैसे नर्व इंपल्स जनरेट होती है, कैसे मसल फंक्शनिंग होती है, उसमें कैल्शियम का कैसे रोल है, उसमें मैग्नीशियम का कैसे रोल है. उसके बाद रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट अगर होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है दैट इज पोटेशियम का, तो वो कैसे हो जाता है. ठीक है, इट्स एक्चुअली अ टॉपिक फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कि ये सब प्रोसेस कैसे होती है. यहाँ पे मैं इसका सुपरफिशियली रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको याद दिलाने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारी बॉडी में होते हैं तो क्यों होते हैं. उसके बाद अगर और एक फंक्शन देखें जनरली, रेगुलेशन ऑफ पीएच कि जो हमारी बॉडी का पीएच है, दैट यू नो हमारे ब्लड का जो पीएच है, हमारी डिफरेंट फ्लूड्स का हमारी बॉडी में डिफरेंट पीएच है. और जो अगर हम देखें ब्लड का, उसमें जो पीएच होता है दैट इज 7.35 टू 7.45, दैट मींस स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है. वो किसकी वजह से होता है, पीएच किसकी वजह से मेंटेन होता है, वो बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से मेंटेन होता है. बाइकार्बोनेट आयंस अगेन एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो ये थे कुछ जनरल में कुछ फंक्शंस किसके, कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, उनका क्या काम है. नाउ अब अगर हम देखें कि फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है. इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में मोस्टली हर किसी जगह पे पाए जाते हैं. अगर हम इंट्रासेलुलरली बात करें या एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हर किसी जगह पे पाए जाते हैं. सो दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें कि फ्लूड कंपार्टमेंट जो हमारे पास होते हैं, फ्लूड कंपार्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो इंट्रासेलुलर फ्लूड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड. इंट्रासेलुलर फ्लूड में क्या होता है, ये अराउंड 2/3 मीन्स अगर हम तीन पार्ट्स ले लें उसमें से दो पार्ट्स जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूड जो है उसमें होता है. दैट मीन्स जो टोटल बॉडी फ्लूड का कितना पोर्शन इंट्रासेलुलर फ्लूड होता है, दैट मीन्स अराउंड तीन में से दो हिस्से कौन से होते हैं, वो इंट्रासेलुलर फ्लूड होते हैं. और उसके बाद जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड होते हैं वो कितना, उसका पोर्शन कितना है टोटल बॉडी फ्लूड का, वो कितना होता है 1/3. और अगर हम देखें कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट एबंडेंटली इंट्रासेलुलर फ्लूड में पाया जाता है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किस में पाया जाता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड में पाया जाता है, तो अगर हम देखें एक तो पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है वो किस में पाया जाता है, वो इंट्रासेलुलर फ्लूड में पाया जाता है. और मोस्ट एबंडेंट कैटायन
cation in intracellular fluid and most abundant anion in extracellular fluid. वो कौन कौन से होते हैं? वो पोटेशियम और फॉस्फोरस होते हैं. उसके बाद कमिंग टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, उसमें कौन कौन से होते हैं? मोस्ट एबेंडेंट कैटायन, अगर देखें हम कैटायन और एनायन, कैटायन कौन सा होता है? वो सोडियम होता है और क्लोराइड जो होता है ये मोस्ट एबेंडेंट एनायन होता है. अगर हम अपनी बॉडी को देखें, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स को देखें, तो उसमें हमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं? एक तो कैल्शियम, जो कि इंट्रा सेलुलरली हमें मोस्ट एबेंडेंटली कैटायन पाया जाता है. एंड वी हैव एनायन दैट इज फॉस्फोरस एनायन, एंड दैट इज मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड इन इंट्रा सेलुलर फ्लूड. देयर आफ्टर कमिंग टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में अब हमारे पास कौन कौन से कैटायन्स और एनायन्स मोस्ट एबेंडेंटली पाए जाते हैं? वी हैव कैटायन दैट इज सोडियम कैटायन इज मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, एंड वी हैव क्लोराइड आयन दैट इज मोस्ट एबेंडेंटली आयन फाउंड इन व्हाट? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड. उसके बाद कमिंग टू द नॉर्मल कंसेंट्रेशंस, नॉर्मल कंसेंट्रेशंस नॉर्मल कंसेंट्रेशंस आप हमारे पास जो डिफरेंट मैंने आपको बताया कि डिफरेंट क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, कैटायन्स, एनायन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो उनकी नॉर्मल कंसेंट्रेशन अब कितनी होती है हमारी बॉडी में? अगर पहले देखें जो सबसे मोस्ट एबंडेंटली एनायन पाया जाता है दैट इज सोडियम. सोडियम की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज अराउंड 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिलीमोल पर लीटर इसकी कंसेंट्रेशन होती है हमारी बॉडी में. उसके बाद कमिंग टू अनदर इलेक्ट्रोलाइट दैट इज पोटेशियम. पोटेशियम की कंसेंट्रेशन कितनी होती है? 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर मिलीमोल या पर लीटर. ठीक है, या तो आप इसका यूनिट जो है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ले सकते हो, या तो आप जो ये हम सेम ही आते हैं या मिलीमोल पर लीटर आप इसका जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट है या वो आप ले सकते हो उसमें. उसके बाद कमिंग टू थर्ड दैट इज क्लोराइड. क्लोराइड की नॉर्मल कंसेंट्रेशन कितनी होती है? 98 टू 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. सर क्लोराइड की कंसेंट्रेशन क्या होती है? 98 टू 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. या तो आप मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ले सकते हो या तो आप मिलीमोल पर लीटर ले सकते हो. एंड एज फार एज द क्वेश्चन आर कंसर्न, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होंगे वो लास्ट के 10 मिनट्स में हम डिस्कशन के लिए रखेंगे, ऑनलाइन क्लास है अभी. ठीक है, तो लास्ट के 10 मिनट्स में अगर किसी को क्वेश्चन होंगे तो वो लास्ट के 10 मिनट्स में पूछ सकता है. अभी जो ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि थोड़ा बहुत हेक्टिक हो रहा है ऑनलाइन क्लास को लेना, अभी किसी को अगर कोई ऑडियो इशू है वो भी देखा जाएगा, किसी को अगर वीडियो का इशू आ रहा है वो भी लास्ट में रिजॉल्व किया जाएगा. अभी जितने अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जितनों को वॉइस आ रही है वो अंडरस्टैंड कर लो, बाकी इशूज लास्ट में देख लेंगे, बिकॉज हमारा पहला आज ऑनलाइन क्लास है तो इश्यूज को बाद में रिजॉल्व किया जाएगा. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सोडियम की कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में होती है वो कितनी होती है? दैट इज 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है. उसके बाद पोटेशियम की अगर कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में देखें दैट इज 35 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारी बॉडी में इसकी कंसेंट्रेशन होती है. उसके बाद अगर क्लोराइड आयन्स की देखें वो कितनी होती है? वो 98 टू 108 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारी बॉडी में कंसेंट्रेशन होती है उसकी. उसके बाद बाइकॉर्पोरेट आयन्स की अगर देखें, बाइकार्बोनेट आयन्स क्या है ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारी बॉडी में पीएच कैसा होगा, और इनकी कंसेंट्रेशन कितनी होती है? इनकी कंसेंट्रेशन 28 टू 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है.
उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारी बॉडी में होता है दैट इज कैल्शियम, और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हमारी बॉडी में अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है कैल्शियम, इट इज 8.5 टू 10.5 mg पर डेसीलीटर। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अब अगर सोडियम जो हमारी बॉडी में मोस्ट एबंडेंट थे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, अब अगर उसकी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी या वो डिक्रीज हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? अब अगर उसकी लेवल कम हो जाती है वी कॉल दैट एज हाइपोनेट्रीमिया, अब अगर उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है वी कॉल दैट एज हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, अब सोडियम की लेवल अगर इंक्रीज हमारी बॉडी में हो जाती है वी कॉल दैट एज हाइपर नेट्रीमिया, एंड अगर उसकी लेवल जो हमारी बॉडी में कम हो जाती है वी कॉल दैट एज हाइपोनेट्रीमिया। उसके बाद पोटेशियम, अब अगर पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम पोटेशियम में भी हमारे पास दो सिनेरियोस होते हैं, या तो पोटेशियम की लेवल एक पेशेंट में ज्यादा हो जाएगी या तो पोटेशियम की लेवल एक पेशेंट में क्या है वो कम हो जाएगी। जब पोटेशियम की लेवल एक पेशेंट में ज्यादा हो या कम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अगर कम हो जाती है उसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं,